आखिर क्या हुआ? जब जरासंध ने सूर्य पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल को निकालने की कोशिश की, आखिर क्यों हुआ था सूर्य पुत्र कर्ण और जरासंध के बीच एक घनघोर युद्ध? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सिंधु। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। महाभारत के युद्ध में कई शूरवीर योद्धाओं का जिक्र आता है। उनमें से ही एक थे जरासंध, जो कि विलन की भूमिका में थे और बेहद ही खतरनाक थे। और जरासंध के साथ ही महाभारत के कई योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। हम में से अधिक लोगों ने जरासंध और भीम के युद्ध या फिर भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के बीच हुए युद्ध के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य पुत्र कर्ण ने भी जरासंध से युद्ध लड़ा था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार। तो आखिर उन दोनों बार लड़े गए युद्ध के क्या परिणाम निकले थे, चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं पहली बार जरासंध और कर्ण के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहीं और नहीं बल्कि कलिंग देश में हुआ था। जी हाँ, पहली बार इनका आमना सामना कलिंग देश की राजकुमारी चित्रांगना के स्वयंवर में हुआ। चित्रांगना के स्वयंवर के लिए दुर्योधन भी वहां पहुंचा हुआ था। वो स्वयं कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य को लेकर आया था। अंततः उस स्वयंवर के महोत्सव को सुनकर और उसके बारे में सुनकर महाराज जरासंध, शिशुपाल, भीमका, वक्र, रुक्मी, नील, शिकल, कत्रोमा, भोज इत्यादि प्राकर्मी राजा वहां पहुंचे हुए थे। सिर्फ वही नहीं बल्कि दक्षिण और उत्तर देशों के नरेश भी वहां आए हुए थे। वह राजकन्या स्वयंवर सभा में जैसे ही आई और सभी राजाओं के नाम लिए जाने लगे, राजकन्या आगे बढ़ती रही और अचानक ही वो दुर्योधन के भी आगे गुजर गई। और ये अपमान दुर्योधन से सहन नहीं हो सका। उसने राजकुमारी का रास्ता वहीं रोक दिया और भीष्म, द्रोणाचार्य के आश्रय और अपने बल के घमंड में उस राजकन्या को जबरदस्ती रथ में बैठा के वो वहां से प्रस्थान कर गया। कर्ण ने भी अपना रथ स्वयं दुर्योधन के पीछे लगा लिया और इसके तुरंत बाद ही संपूर्ण मौजूद राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कर्ण और दुर्योधन के ऊपर कई सारे बाणों की वर्षा करने लगे और वहां उनके बीच एक संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमकारी नरेशों के धनुष को काट गिराया और उन सभी राजाओं को अपने बाणों के प्रहार से व्याकुल कर दिया। कहते हैं सभी के सभी राजा डरकर भाग गए थे। सिर्फ जरासंध ही थे जो उनसे आखिर तक युद्ध करते रहे और कहते हैं वो भी स्वयं कर्ण के असंख्य बाणों से परास्त हो गए। उन्होंने जरासंध के सारथी को मार डाला और जरासंध व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। आधे से ज्यादा नरेश तो भूमि छोड़कर वहां से भाग गए और इस प्रकार कर्ण की भुजा का बल और अपने साथी की मदद से रक्षाकृत दुर्योधन कन्या ग्रहण कर वापस हस्तिनापुर लौट आया। अगर आपको इसके वर्णन के बारे में जानना है तो आप क्रिटिकल ऑडिशन के क्रांति पर्व अध्याय 4 में इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं, वहां पर विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी बार हुए इनके महायुद्ध की। कहते हैं उस समय स्वयं जरासंध ने कर्ण को खुद चुनौती दी थी। मगध देश के राजा जरासंध ने कर्ण के बल पराक्रम को सुनकर कर्ण को द्वंद युद्ध के लिए ललकारा। वो दोनों ही पराक्रम परम अस्त्र शस्त्र को जानने वाले थे और दोनों के बीच एक घनघोर युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर कई प्रकार के असंख्य बाण और अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, उनकी वर्षा करने लगे। धीरे धीरे जब उन दोनों वीरों के धनुष कट गए और बाणों से वो रहित हो गए तथा तलवार आदि शस्त्र टूट गए, तब वह दोनों रथ से उतर कर मल्ल युद्ध करने लगे। तब कर्ण ने बाहुयुद्ध करने के प्रवक्त हुए जरासंध के जरा राक्षसी से जोड़े हुए सिंधी स्थल को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। लेकिन फिर से पुनः जरासंध का शरीर जुड़ गया। ऐसे में जरासंध ने फिर कर्ण के शरीर को अलग करने का प्रयास किया और तभी जरासंध ने अपने हाथों से स्वयं कर्ण के कवच और कुंडलों को पकड़ लिया। जरासंध ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया लेकिन कर्ण के कवच और कुंडल की सहायता से कर्ण का शरीर बिल्कुल भी अलग ना हो सका। कहते हैं जरासंध इतना शक्तिशाली था कि वह अपने दोनों हाथों से किसी को भी चीर सकता था।
बड़े से बड़ा हाथी हो या कोई महारथी, लेकिन वह कर्ण के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। तभी कर्ण ने फिर से जरासंध को पकड़ लिया और उसके शरीर के फिर से दो भाग कर दिए। जरासंध अपने शरीर का विकृत भाव देखकर शत्रुता छोड़ कर्ण से बोला, हे कर्ण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता में मैं तुम्हें अपने यहाँ का मालिनी नामक नगर देना चाहता हूँ। और इस प्रकार दुर्योधन की अनुमति से वो अंग देश के साथ साथ मालिनी नगर के भी राजा बन गए और स्वयं जरासंध ने भी कर्ण से मित्रता कर ली। ये सभी संपूर्ण वृतांत पूरी तरह से आप क्रिटिकल ऑडिशन महाभारत में शांति पर्व के अंदर राजधर्म पर्व अध्याय 4 में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह हुआ था कर्ण और जरासंध के बीच एक महायुद्ध, और एक नहीं बल्कि दो बार, जहां दोनों के दोनों बार स्वयं कर्ण ने जरासंध को परास्त किया। इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।